तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो बिग बैश T20 लीग टूर्नामेंट है उसका भाई आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 55वां मैच जो कि खेला जाएगा सिडनी थंडर्स वर्सेज मेलबर्न रेनिगेड्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पर सिडनी थंडर्स की टीम में एक बेहतरीन बल्लेबाज ऐड हो चुका है, वहीं अगर बात करें मेलबर्न रेनिगेड्स की तो भाई इनके काफ़ी सारे मेन प्लेयर अब आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं यहां पर मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम में भाई यहां पर आपको कि काफी कमजोर टीम है और यहां पर सिडनी थंडर्स की टीम काफी मजबूत टीम दिख रही है। तो आपको कॉम्बिनेशन है वो भाई 7-4 का लेके चलना है। 4 प्लेयर आपको यहां पर रेनेगेड्स के लेने, 7 प्लेयर आपको यहां पर भाई थंडर्स के लेने, और कौन से प्लेयर लेने, क्या करना है, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना। वीडियो को जो भाई कंप्लीट देखेगा ना वो भाई इजिली विनिंग करेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं जो फाइनल टीम फाइनल अपडेट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जाइए भाई टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है। यहां पर अगर कल रात की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो स्पोर्ट एसी एप्लीकेशन पर हमारे ही बंदे की रैंक 1 आई थी और उसी भाई के मैसेज आए हुए थे। यहां पर आप देख सकते हो ये उसी भाई के मैसेज आए हुए थे। दूसरी भाई अगर बात करें विजन 11 पर तो अगर भाई 18वीं रैंक हमारी ही थी और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसके अलावा फैब 11 की बात करें तो यहाँ पर भाई 3री रैंक थी हमारी। मतलब यार हर जगह हमने जीएल क्रैक किया, हर जगह जीएल क्रैक किया और उम्मीद है भाई आज भी मैं आपको ऐसी विनिंग करवाऊंगा। तो आपके भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा भाई, जाके एक बार ज्वाइन कर लेना। अब यहां पर अगर बात करें ग्राउंड की तो यहाँ पर देखो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और भाई ये ऑस्ट्रेलिया का मतलब सबसे बड़ा तो मैं नहीं कह सकता बट आप इतना बोल सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्राउंड्स में से एक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। यहाँ पर है ना वैसे तो ट्रैक है ना जो बैटिंग ट्रैक होता है बट भाई यहाँ पर बाउंड्रीज बड़ी होने के कारण कभी कभी ज़्यादा स्कोर नहीं बनता। आपको अगर वैसे देखा जाए तो 160 से 170 के बीच में आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा अगर यहाँ पर बैट्समैन का कोलैप्स नहीं होता है। कभी भाई सभी आए और मारने के चक्कर में आउट हो जाए तो भाई बात अलग ही हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ से स्क्वाड की तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम में भाई काफी सारे मतलब प्लेयर्स मिसिंग है। मैं नाम तो किस किस के गिनाऊँ आपको बट आप ये इतना समझ लो कि आपको 4 प्लेयर जो लेने हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ से जेम्स सेमर को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा आप इसको आपको इसे लेना ही लेना है, जो लेने ही लेने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, जीएल मिनी जीएल में जरूर ट्राई कर लेना। बाकी अगर आप स्मॉल लीग में लेना तो आप ले सकते हो बट दो प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको लेने हैं ऐसे एरन फिंच और शॉन मार्श, ये दोनों प्लेयर आपकी टीम में रहने चाहिए। उन्मुख चंद जैसा मैंने बोला था अभी मतलब इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहा तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हो। जोनाथन मेरलो को आप ड्रॉप कर, सैम हार्पर भाई अगर टॉप ऑर्डर बैटिंग करता है तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज ड्रॉप करके चल लेना। ऐसे विल सदरलैंड अगर खेलता है तो भाई आप ट्राई कर लेना, अदरवाइज ड्रॉप करके चल सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां से आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो एक तो आपके लिए यहां से भाई कब गया यहाँ से भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जोश लेलर। जोश लेलर आपके लिए कब इंपॉर्टेंट रहेगा, जब भाई फर्स्ट इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तब इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा भाई जाहिर खान आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, तो इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप यहाँ से जैक इवांस को भी ट्राई कर सकते हो जोश लेलर के साथ या फिर जाहिर खान के साथ, ये चीज़ आपको ट्राई कर लेनी है। तो ऐसे आपके जो मेरे हिसाब से आपको 4 प्लेयर चूज करने हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ से एरन फिंच, शॉन मार्श और यहाँ से भाई जोश लेलर। इसके अलावा एक फोर्थ प्लेयर है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, अगर सैम हार्पर टॉप ऑर्डर बैटिंग करता है तो सैम हार्पर को ट्राई करेंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर यहाँ से भाई सेकेंड अगर बॉलिंग आती है तो भाई यहाँ पर जाहिर खान को हम ट्राई कर लें क्योंकि उस टाइम स्पिनर्स विकेट निकाल सकते हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर सिडनी थंडर्स की टीम की। तो यहाँ पर भाई सिडनी थंडर्स की टीम में उस्मान ख्वाजा की वापसी हो चुकी है जो कि बहुत ही मतलब एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, और आप समझ सकते हो यार अभी अभी एशेज में 2 सेंचुरी लगा के आ रहे, तो आप मतलब समझ सकते हो कितना कमाल का बल्लेबाज है और कितनी कमाल की फॉर्म में। एक ही टेस्ट मैच में 2-2 भाई सेंचुरी लगाना कोई छोटी बात नहीं होती, और वो भी भाई इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर उस्मान ख्वाजा को आप जरूर से ट्राई कर लेना। इसके अलावा भाई मैथ्यू गाइक्स आपको ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं, एलेक्स हेल्स खेलते नजर आएंगे, जेसन संगा, एलेक्स रोस और डैनियल सैमसन में से एलेक्स रोस, और इसके अलावा यहाँ पर
ओलिवर डेविस, इन दोनों में से कोई एक आपको खेलता नजर आ जाएगा। डैनियल सेम्स आपको 100% खेलते नजर आएंगे, तो ये आपकी टीम में 100% होने भी चाहिए। क्रिस ग्रीन को आपको कब ट्राई करना, जब भाई सेकंड इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तब भाई ये आपके लिए मस्ट, मतलब बिल्कुल मस्ट इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। फर्स्ट इनिंग में भाई मतलब ड्रॉप करके चल सकते हो, बट इस इनिंग में मतलब इस मैच में ना आप फर्स्ट इनिंग में भी पिक कर सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि देखो जैसे कि मैंने आपको बताया भाई बिल्कुल ये एक बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पर भाई मतलब जो फर्स्ट इनिंग में भी अगर स्पिनर्स के ऊपर हिटिंग करने जाएंगे और मिस हिट अगर हो गए ना तो इजीली कैच आउट हो सकते हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में भी स्पिनर्स को विकेट मिल सकते हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप ट्राई कर सकते हो। गुरिंदर संधु आपकी टीम में 100% होना चाहिए। तनवीर संगा जैसे कि मैंने बताया भाई फर्स्ट इनिंग में भी ट्राई कर सकते हो, सेकंड में भी आप ट्राई कर सकते हो। नाथन मैकेंड्रू भाई काफ़ी अच्छा गेंदबाज है, और वहीं बात करें तो डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करने के चांसेस है इसके जो डैनियल सैम्स के साथ डालेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। जोनाथन कुक शायद ना खेले, बैन कटिंग भाई खेलते नजर आ सकती, सॉरी भाई खेलते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा भाई बात करें तो ब्रैंडन डॉगट शायद ना खेले, इसके अलावा भाई नीचे से कोई ऐसा प्लेयर मेरे को लग नहीं रहा जो आपको खेलता नजर आने वाला है, ठीक है। तो ये भाई रहने, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर ड्रीम इलेवन की, डेमो टीम की। लेकिन भाई यहाँ सिर्फ आपको एक डेमो टीम ही मिलेगी, फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब चलिए भाई चलते हैं, मैं आपको सीधा टीम बना के दिखाता हूँ। तो ऐसे भाई मैथ्यू गायक्स हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सैम आर्पर यार नंबर 6 पर बैटिंग कर रहा है, तो इसको मैं पिक करके क्या करूँगा। यहाँ से अगर बात करें तो एरन फिंच हमारी टीम में रहेंगे, जेसन संगा को हम ट्राई करेंगे, मिशेल मार्श को ट्राई करेंगे, एलेक्स हेल्स को ट्राई करेंगे, ठीक है। ये चार हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए। अब यहाँ से भाई आप किसको ट्राई कर सकते हो, नीचे चलो भाई थोड़ा सा, यहाँ से सॉरी भाई मैं बिल्कुल नीचे चला गया। उस्मान ख्वाजा को आप ट्राई कर सकते हो, बेहतरीन प्लेयर आपके लिए होने वाला है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो आपके लिए एक अच्छी खासी एक वन साइड से एंकरिंग करते हुए अच्छी खासी नोक खेल के जा सकता है, तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर यहाँ से बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ से निक मेडिसन आपको नहीं खेलता दिखेगा, डैनियल सैम्स आपकी टीम में 100% होना चाहिए। इसके अलावा भाई और तो कोई मेरे को इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा। यहाँ पर अगर बात करें तो केन रिचर्डसन भी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर तनवीर संगा को आप ट्राई कर सकते हो, या फिर भाई देखो नाथन मैकेंड्रो आपकी टीम में 100% होना चाहिए। मोहम्मद असनैन भी आपको नहीं खेलता दिखेगा। इसके अलावा यहाँ से भाई गुरिंदर संधु आपकी टीम में 100% होना चाहिए। तो ये दो प्लेयर तो आपकी टीम में होने ही होने चाहिए। अब आप यहाँ से जोस लेलर को ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा भाई यहाँ से जाहिर खान को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपको ये टीम आपकी मेरे हिसाब से सबसे सही रहेगी, जहाँ पर आपने 12 ओवर तो ऑलमोस्ट कवर कर लिए यहाँ पर जो सिडनी थंडर्स है, इसके अलावा भाई 8 ओवर आपने यहाँ से कवर कर लिए रेनेगेड्स के भी। तो ये चीज़ आपके लिए, ये टीम मेरे हिसाब से काफ़ी एक मतलब स्टेबल टीम लग रही है, बैलेंस टीम लग रही है, तो आप इसके साथ जा सकते। वहीं अगर बात करें कैप्टन और इस कैप्टन की, तो देखो कैप्टन डैनियल सैम्स रहेगा, काफी अच्छी हिटिंग भी कर लेता है, साथ ही साथ भाई यहां पर विकेट भी अच्छे खासे निकाल सकता है, डेथ में भी गेंदबाजी करेगा, तो मेरे हिसाब से कैप्टन आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा। वो इस कैप्टन की बात करें तो भाई एलेक्स हेल्स को आप बना सकते हो, अभी काफी अच्छी फॉर्म में, लगातार 3-4 मैचेस में लगातार अच्छी फॉर्म में, मतलब अच्छी बल्लेबाजी करके आ रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहां से भाई आप ट्राई कर सकते हो जेसन संगा को, और इसके अलावा भाई देखो एक साइड बाय साइड चांस आप इन दोनों को दे सकते हो, जीएल मिनी जीएल में दोनों को ही एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना, तो अगर भाई ये इनकी लंबी पार्टनरशिप हो जाती है तो भाई ये इजीली आपको काफ़ी अच्छी विनिंग करवा देंगे, तो ये काम आप ट्राई कर सकते हो। कैप्टन आप डैनियल सैम्स को रखो स्मॉल लीग में, और अभी के लिए भाई वॉइस कैप्टन के आपके पास मेरे हिसाब से भाई ये दो ऑप्शन, बाकी अगर आप चाहो तो किसी एक डिफरेंशियल के साथ भी जा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया आप इन दोनों में से किसी एक को स्मॉल लीग में भी लेके जा सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से तो भाई अभी यहाँ पर जेसन संगा या फिर एलेक्स हेल से आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। बाकी मैं आपको फाइनल टीम जो दूंगा ना टेलीग्राम पर, उसमें भाई आपको फाइनल अपडेट दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे टेलीग्राम चैनल पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।